अगले आगे चलते हैं और हम चलते हैं कोवलेंट हाइड्रेट्स। कोवलेंट हाइड्रेट्स सारा पी ब्लॉक एलिमेंट जो है हमारे पास क्या बनाएगा भाई, कोवलेंट हाइड्रेट्स। एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 3A27A फॉर्म कोवलेंट हाइड्रेट, दे पोजेस कोवलेंट बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली नाम क्यों, क्योंकि कोवलेंट हमारे पास हाइड्राइड्स हैं, तो इनको बनाने के हमारे पास एग्जाम्पल देख लेते हैं। बोरॉन हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मीथेन हाइड्राइड, सॉरी कार्बन हाइड्राइड या मीथेन, अमोनिया, H2S एंड HCl, दीज ऑल आर दी हाइड्राइड्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स और ग्रुप नंबर 3A27A। हमारे पास सारे ही हाइड्राइड्स। बोरॉन जो है हमारे पास जो है किससे करता है, ग्रुप नंबर 3 से 3 है यहाँ पे हमारे पास, एल्यूमिनियम थ्रू, तो इसी वजह से इनकी वैलेंसीज है ना, ठीक है। अच्छा, अमोनिया है हमारे पास, अगर देख लेते हैं हम इनकी प्रिपरेशन देख लेते हैं, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया एंड दैट इज ऑल्सो अ हाइड्रेट। हमारे पास जो नाइट्रोजन होती है, जो इसकी वैलेंसी है, इसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, प्लस, क्या होती है भाई इसकी वैलेंसी, हमारे पास +3, हमारे पास +3 इसकी वैलेंसी होती है। और एक हाइड्रोजन की आपको पता है क्या होगी, -1 -1 ना, तो ऑब्वियसली इसको बैलेंस करने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला होता है ये इस तरीके से बन रहा होता है। वैलेंसीज के थ्रू हम जो है हम बता सकते हैं कि ये जो केमिकल फॉर्मूला है, वाई अमोनिया इज NH3 और नॉट NH4, और H2S जो है वो हमारे पास जो है वो H2S ही क्यों है, HS क्यों नहीं है, तो हमारे पास वैलेंसीज का यहाँ पे खेल हो रहा होता है। ये डायरेक्ट मेथड्स हैं हमारे पास, और ये हमारे पास कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, इनडायरेक्ट में हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उन एलिमेंट्स के, उसको हम वाटर से रिएक्ट कर रहे होते हैं। जब वाटर से रिएक्ट करते हैं उन कंपाउंड्स को, तो हमारे पास जो है ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनती हैं, और साथ साथ हमारे पास क्या बनती हैं भाई, हाइड्राइड्स। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स की। हमारे पास कोवलेंट हाइड्राइड्स जो होती हैं वो गैसेस भी होती हैं और वो लिक्विड भी होती हैं। गैसेस की एग्जांपल हमारे पास हैं अमोनिया है, H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड मीथेन। लिक्विड में हमारे पास वाटर और HCl आर द लिक्विड हाइड्राइड्स। लिक्विड्स जो होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पर उड़ जाते हैं, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वाटर के अलावा, वाटर का आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके अलावा दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके अलावा दे आर कलरलेस कंपाउंड्स, ठीक है ना। नेचर देख लें हमारे पास ग्रुप 3A और 4A के जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ग्रुप 5A के बेसिक होते हैं, और हमें पता है ग्रुप नंबर 6A से लेके 7A के जो होंगे वो एसिडिक होंगे। एसिडिक की एग्जाम्पल अगर देख लें तो HCl है हमारे पास, HCl इज अ हाइड्राइड, और हमें पता है HCl इज एन एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इनकी नेचर इस तरीके से होती है। देन वी हैव द कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। द कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स हमारे पास क्या होती है, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 1A एंड ग्रुप 3A आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। कॉम्प्लेक्स जब कोई चीज होती है हम बोलते हैं पेचीदा, मतलब पेचीदा है तो वो एक से ज्यादा है, तो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स होती हैं, है ना भाई। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स में हमारे पास इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, MaH4। तो हमारे पास ग्रुप नंबर 1A और 3A की जब हाइड्राइड्स कंबाइन होंगी दे विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। हमारे पास जनरल फॉर्मूला है MaH4, जिसमें M हम बोल रहे हैं एलिमेंट ऑफ 1A है, और एलिमेंट ऑफ 3A क्या है, एल्यूमिनियम। प्रिपरेशन देख लेते हैं, अगर हम देखें लिथियम हाइड्राइड और एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिलकर बनाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड और बोरॉन हाइड्राइड हमारे पास मिलकर बनाते हैं सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। अगर इनकी फिर से हम वैलेंसीज देखते हैं कि इनके फॉर्मूले ऐसे क्यों हैं, तो हमारे पास जो नाइट्रोजन लिथियम है, लिथियम ग्रुप नंबर 1A का है, तो ऑब्वियसली उसके पास क्या होगी, +1। एल्यूमिनियम जो है वो 3A का है, तो इसके पास क्या होगी, +3, सही है ना। हाइड्रोजन के हाइड्राइड में -1, और यहाँ मेटेलिक हाइड्राइड के फॉर्म में जब मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो हमेशा हाइड्रोजन जो होती है वो माइनस में होता है उसकी वैलेंसी, और 4 है हमारे पास हाइड्रोजन, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें कितने, 4।
तो ये कुछ इस तरह से इनका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से जवी बन रहा होता है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।